मौसम से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आई है। तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में आज शाम को आंधी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों को सावधान रहने को भी कहा, जिससे आंधी बारिश में जनधन हानि से बचा जा सके। वैसे बता दें कि बीते सोमवार को शाम को धमतरी में तूफान से आम का एक पेड़ गिर गया, जिससे पति पत्नी की मौत हो गई। इनके अलावा बेमेतरा जिले में कंचे से भी बड़े आकार के ओले गिरे हैं। इसी बीच मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवा के चक्री चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तर पूर्व राजस्थान और उससे लगे क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर ऊंचाई से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। दूसरा ऊपरी हवा का चक्री चक्रवाती परिसंचरण मध्य प्रदेश के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है, जो एक द्रोणिका हवा की अनियमित गति मध्य मध्य प्रदेश से दक्षिण अंदरूनी तमिलनाडु तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन लगातार जारी है, जिससे आज कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज अंधड़ चलने, वज्रपात होने तथा ओलावृष्टि होने की भी संभावना बनी हुई है। तो वहीं प्रदेश में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसी बीच बात करें ऑरेंज येलो अलर्ट वाले जिलों की, तो उसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस किस जिले में ऑरेंज येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इसके पहले यदि आप हमारे चैनल CG36 न्यूज पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो चैनल CG36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने, अंधड़ चलने और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना जाहिर की गई है। और येलो अलर्ट वाले जिलों की बात करें तो जसपुर, कोरिया, सूरजपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कांकेर, राजनांदगांव, बालोद, गरियाबंद, रायपुर और इससे लगे जिलों में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात होने की संभावना है। तो मौसम परिवर्तन को देखते हुए विभाग की ओर से लोगों को सतर्क रहने का आग्रह किया है, जिससे जनधन हानि से बचा जा सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।